5 साल पहले मैं जदों जिमीदारा शुरू किया उदों मेरी ख्वाहिश ये हैगी है कि मैं कि तोरी लानी है। तो 5 साल बाद इस साल मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है कि अल्लाह ताला ने मैनू गुंजाइश दी है तो मैं तोरी लाई है। तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई तो मैं इस बारी तोरी लाई तो अल्लाह ने मैनू रोज़ी भी उन्हें बहुत ज़्यादा दी है। तोरी का टमाटर नालों तो कद्दू नालों बाकी फसल नालों कड़ा है ना, टमाटर नालों इनका खर्चा घट है, वक्त भी घट है। अलहमदुल्ला अल्लाह का अल्लाह तला का शुक्र है कि 2 महीने हो गए फसल चली नूँ तो अल्लाह तला ने सू 1.5 लाख रुपया अगर बच गया तो कोई मजीद महीना होर चलती तो 50 हज़ार या लाख अल्लाह होर सा ला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फार्मिंग। नाज़रीन, आज हम आपको घिया तोरी के मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात देंगे कि ये लगाई कैसे जाती है, इस पर बीमारियाँ कौन सी आती हैं और इस पर ख़र्चा करके प्रॉफिट क्या है, इसके 1 एकड़ का ख़र्चा क्या है, तो तमाम तर तफसीलात लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि ऐसी फार्मिंग पर मबनी वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं फार्मर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल है भैया? ठीक है। सब तो पहले तो वेखने वाले नु तारफ करवा दो। अच्छा, मेरा नाम है मोहम्मद नईम टिब्बा शेरकोट से मैं रहना जी, तो फटियाली पोल से पक्का स्टार रोड से मेरी वाई है जी। अच्छा भैया, ने तोरी की फार्मिंग का किस तरह शौक पैदा होया थानू? बस जी, पहले मैं गिया कद्दू लादा जी जी, वो फिर किसी वेले वेखते पहले मेरा भी सब तो पहले कदों मैं वाही शुरू की थी है जी जी, उदों भी मेरा जेर तोरी ते ही है जी जी। ते किसी ने मैंने मशवरा दिता, उन दिनों दे विच मेरे हालात नहीं सही है या पैसे नहीं आए उन्हें जी जी, तो उन्हें मैंने आखा कि तू गिया कद्दू ला जी जी, अल्लाह तेन रोजी देसी उन्हें जी जी। मैं आखा ठीक हो गया, तो फिर मैं गिया कद्दू लादा रही हाँ जी जी, 4 साल गिया कद्दू लाया। फिर इस बारी कि अल्लाह ने मैनू गुंजाइश दी है जी जी, तो फिर फार्मिंग का के नाम का ये मैं लाए ना जी, ते अल्लाह ने मेनू इंदे च भी रोजी ठीक ठाक देंदा भी पिया ते दित्ती भी है। ठीक हो गया। ते ए भजन, तोरी दी फार्मिंग किन्नी जगह ते तुसी लगाई हुई है? ए 4 कनाला है अदवाड़ा। ठीक हो गया। ते तुसी जेडी लगाई सी शुरुआत केड़े मौसम च कीती सी, केड़े मौसम च इंदी गड़ाई हुंदी? ए 11वें महीने दी 15 तरीक नु लाई सी जी जी, ते ओदों ही फिर बी ला के उतू शैपर करा दिता जी जी, शैपर करा के ते फिर मार्च दी 5 तरीक नू चल पईआं सी, चुगणियां शुरू कर लईआं सी कि शैपर ला ते फिर दोबारा तो फिर नवे वांस ला के जी जी, तार तूर ला के ते जाल ला के ते फिर उंदे उत्ते जड़ाईआं जी जी, फिर उंदे ते जो खाद स्प्रे जो कुछ हुंदा ओह करदे रहे। अच्छा बेन, जेड़ा तुसीं कहे कि शैपर लगाया इंदे उपर, शैपर दा की मकसद हुंदा लगाउण दा? शैपर दा मकसद इह हुंदा कोई हीट नाल विच बीज जमदा है, फिर सर्दी दे विच ओह तियार हुंदी विच वल चलदी रहिंदी है जी जी, ठंड दे विच वल चलदी नहीं हैगी, ओह छैपर ना लावीए तो फिर ठंड दे विच पहले नंबर ते बी नहीं जमना जी जी, फिर बी जम भी पिया तो फिर ओह वल नहीं चलनी जी जी, ओह किथे खलोती है उत्थे रुकी रहनी ठंड दी वजह तो, फिर छैपर दी हीट हुंदी ओह हीट दी वजह तो फिर ओह चली रहिंदी है। गर्मी दी फसल है, गर्मी दे विच रोई ते आंदी है। ठीक हो गया। अच्छा बयान, सब तो पहले तो ये दसो कि जिसले जमीन तुसी किस तरह तैयार करदे शुरू तो लेके? जमीन किवें दूसरी जमीन तैयार कीती दी है, ओवें जमीन तैयार करके ते फिर खेलियां गड़ा के ते फिर थले काला शैपर लवाई दा, काला शैपर लगा जी जी, ओ लवा के ते फिर उतू जी के नन दा बी ला देना है, उन शैपर नु मोरे होने ने किन्ने खाने फासले ते बी लाना है जी जी, ओ मोरे करके ते फिर उतू बी ला देना है, बी ला के ते फिर उतू शैपर नु ढक देना है, फिर 3 महीने ढकियां रहनियां, 3 महीनों बाद शैपर ला के सोटी कुंज के सरिया लावी या सोटी लावी ओ कुंज के फिर उत्ते असी वांस लाने आ कि में वांस लगे को ते नेवे वांस ला के ते फिर उतु जी इन्हां नु जाल ते उत्ते जल्ला वल्ला जड़ा दे। अच्छा भैया, ने खेली दा साइज की रखदे जे तुसी, बाकी फसलां नालों कोई चेंज है या उही साइज रखिंदे? ए खेली दा साइज ए तो छोटा रखा होया 4 फुट, वैसे 4.5 फुट 5 फुट खेली दी चौड़ाई होंदी कोठे दी जी जी, के बंदा आसानी नाल टोर सके, आसानी नाल को टोकरा ले आ सके, आसानी नाल चोनी भी टोर सके, दोवां साइडां तों आसानी नाल चुगी सकन। सही हो गया। ते जिहड़ा पौधा तुसी लगांदे जी बीज, तकरीबन किन्ने फासले ते लगाना चाहिदे? ए तकरीबन 15 इंच दे फासले ते 1.5 फुट दे फासले ते लगना चाहिदा जी, चोखा घाटा होवेगा ते फिर उहने एवरेज नहीं उन्नी देनी जी, किन्ना ज्यादा विरली वल होंदी उन्नी ज्यादा फैलदी है जी जी, उन्नी एवरेज ज्यादा देंदी है जी जी,
फिर वो पोस्ट ज्यादा पकड़ दी है। सही हो गया। अच्छा भाई ने तकरीबन शुरू तो लेके आखिर तक किन्ने टाइम दी फसल है, किन्ना टाइम तक चलदी ए? आखिर ते 3 महीने ते पेंडिंग रहंदी है। जी जी। 3 महीने के सैपर दे वेची रहंदी है। जी जी। 3 महीने हो गए ते 3 महीने सही है चलदियां ने रूज ते। सही हो गया। 3 महीने सही रूज ते चलदियां ने। 11वें महीने दी 15 तारीख नु लगदियां, 30 जून तई है चलदियां। जी जी। 30 जून तो बाद लोवां पवन लग पैंदियां, लोवां दी वजह तो फिर एकड़े फसल हैगी ना खत्म होनी शुरू हो जांदी, समझ लो उदो खत्म हो जांदी। जी जी। अच्छा भैया ने तुसी इंदी खास स्प्रे दी की रूटीन रखी हुई है? खास स्प्रे दी रूटीन ए हैगी है जी के साडा सिस्टम, मेरा सिस्टम ए हैगा के मैं पहले जमीन ते डिपेंडिंग होंदा है के जमीन अच्छी होवे ते फिर खाद थोड़ी पैंदी है, जमीन थोड़ी जी माड़ी होवे ते फिर खाद ज्यादा पानी पैंदी है के फसल लवे के तोरियां लवण, के जमीन ही माठी होवे ते फिर ते खाद पानी पानी है। के खाद दा मेरा सिस्टम ए है के मैं खाद जदों लाईयां ना उदो कोई शै नहीं पाई, ते कदों शैपर तू इन्हां लाया उतां जड़ाईयां जाल ते जाल किसे ते चढ़ियां उसले इन्हां नूं खाद पाई है फिर पानी लाया, दो एक पानी लाया ते दूसरे पानी ते लवण लग पईयां। ठीक हो गया। अच्छा भैया तुसी पहली दफा तोरी दी फार्मिंग कीती है, बाकी फसलां दी निस्बत इंदे ते की मुश्किलात आईयां, किहड़ी किहड़ी बीमारियां दा अटैक होया? इंदे ते बीमारी एक हुंदी है छोटी जी मक्खी हुंदी, किवें डूमणे दी छोटी मक्खी हुंदी है ओ अटैक करदी है, ओ डंग मारदी फल नूं, फल खराब हो जांदा है। और इंदे ते सूंडी दी एडी बीमारी नहीं आंदी, सिर्फ मक्खी दी बीमारी आंदी है ते या फिर कोई कीड़ी शीड़ी या मच्छरी दी तेले दी बीमारी आंदी है, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਲੇ ਦਾ ਸਪਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਲੇ ਦਾ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਸੋਨਾ ਛੋਟੀ ਉਹ ਸੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਸਾਇਜ਼ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10-12 ਵਾਰੀ ਚੜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇਜ਼ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ 5-6 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਚੜ ਜਾਸਨ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਚੜਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖੇਲੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ੈਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ੈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਦ ਚੋਣੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾ ਲਓ ਬਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 5ਵੇਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਸ 4ਵੇਂ 5ਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਈ ਆ ਹਾੜ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਾੜ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ 4ਵੇਂ ਦੇ 3ਵੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁੱਖਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਖਾਦ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹਨੇ ਤੋਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਵੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ 30 ਧੋਂਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੀ, 20 ਖੇਲੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 20 ਖੇਲੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਨੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 100 ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੈਪਰ, ਇਹਨੇ 200 ਕੱਢਣਾ। ਸਹੀ। ਤੋ ਬਈਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁੜਾਈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ।
भाईजान इनकी एक को चुनाई तो किन्ने कु छापर कट्ठे हो जाते हैं तुड़ाई दे चौखी तो चौखी कड़ा है ना कि कदों तोरी चलती है ना तोरी चलने तो बाद पहलिया चार पांच गाइया माठिया निकल दया चाली पंजा छापर साठ छापर इतने फिर यह वो तो चौखी तो चौखी कड़ी हैगी ना एक एकड़ कड़ा है 300 छापर की एवरेज कड़ा है ठीक हो गया। अच्छा भैया ने एक तुड़ाई की जेडे 200 छापर या 150 छापर निकलता है किन्ने को दा सेल हो जाता है वो जी भाई है ना कि रेट लगे नाल ही है अगू सब्जी साल दे विच उस साल दे विच जिमीदारा ने सब्जी घट लाई हो तो फिर उस 500-600 का भी छापर एक छापर विक जाता है तो नहीं तो किसल एवरेज ज्यादा है मार दी है फसल केड़ी भी है तजर्बा की तो आया जिंदगी का तो फसल केड़ी भी है किसल ज्यादा लाँदी है उस रेट अगू घट जाता है किसल फसल थोड़ी लाँदी उस रेट ज्यादा हो जाता है कि 100-300 छापर एक मिसाल किले चु निकलता है ना तो उस रेट भी 150-200 हो जाता है तो किसल किले चु 40-50 छापर निकलता है उस 400-500 रुपया रेट हो जाता है। अच्छा भैया ने चार कनाल से टोटल किन्ना खर्चा हो गया चार कनाल ते भाईजान टोटल नवी हर चीज लवीए ना ते उन्दे ते तकरीबन 160-170-150 ताईं खर्चा हो जाता है ते तुहाडे कोल वांस पै होवन तार पई होवे बाकी सारा कुछ होवे तुसी बीज ते जाल यार वाल लैणा हुंदा बीज ते जाल दा खर्चा हैगा तकरीबन 60,000 हो जावे 50 हो जावे 70 हो जावे के वह खर्चा हैगा कि उन्दे ते इन्दे ते खर्चा सर्दी दे विच कड़ा इन्दे उत्ते छैपर लगदा है वह भी खर्चा पैंदा वह खर्चा दवाड़े ते कड़ा है ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੈਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਇਹ ਸੇਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈ 3,00,000 ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਂਝੇ ਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 1,50,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਵੇ ਟਮਾਟਰ ਲਾਵੇ ਕੱਦੂ ਲਾਵੇ ਤੋਰੀ ਲਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਇਹ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਲ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ 10-12 ਲੱਖ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਦਿ ਕਿਨਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤੇਂ ਹਮਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। तो जी नाजरीन कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।